अरे डार्लिंग, दिवाली पे दिमाग गिफ्ट दे तो दिया तेरे को, ईद के जान लेवेगी। अरे ना, टेंशन ना ले, तेरे लिए तो कुछ भी। हाँ हाँ ले ले, जान भी ले ले मेरी। हाँ हाँ ठीक है डार्लिंग, है मौज। वह बावड़ी पंगा मत ले, वरना ईगो में आकर तेरे को ऐसा गिफ्ट दूंगा, ऐसा गिफ्ट दूंगा, उसका बक्सा सीधा 9 महीने बाद खुलेगा। और कहाँ ले आओ यारी, कहाँ कोने में छुपा है? अरे यहाँ क्या कबूतर ताड़ रहा, क्या बात होगी? अरे बस कुछ नहीं भैया, हम बस थोड़े से परेशान हैं। परेशान है, क्या बात होगी? बस छठ आने वाला है भैया, और हम अभी तक यहीं हैं। छत छत तो ऊपर है भाई, आ जा चल। छत नहीं भैया, छठ हमारा त्योहार है। यो क्यों है? बस त्योहार है भैया, और दिवाली की छुट्टी भी हमें बस 2 दिनों की मिली है। रे बावड़ी भूत, रे बावड़ी भूत, तेरे जमा दे करती। छठ आ रही है तो के बात होगी, दिवाली तो बड़ा त्योहार थोड़ी है। भैया, हम कह रहे हैं कि हम छठ के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोगों का सम्मान है ये। रे सम्मान ना, तुम बिहारी को बेवकूफ का सम्मान लग है भैया, हम कह रहे हैं कि आप ज्यादा बोल रहे हो, आप ज्यादा ना बोलो। के कर लेगा? तेरा छठ के चक्कर में पूरा मूड खराब कर दिया। ज्यादा बकवास मत कर, कति प्रेग्नेंट बिल्ली के पेट की तरह मुंह लटका रखा तने। भैया, हम जा रहे हैं, चल ले, जा रहे हैं हम यहां अरे से। निकल, कति मूड खराब कर दिया साले ने। बाहर बहुत खा लिया, अब खाना भी खा ले। के अरे नहीं, बात होगी, इब भी नाराज है के, इब तो गुस्सा छोड़ दे। अरे नहीं, हम बस हमेशा से छठ अपने परिवार के साथ मनाते आ रहे हैं, इस बार नहीं मना पाएंगे। अरे बावड़े, दिवाली मिस होगी, छठ मिस हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिवाली तो बड़ा त्योहार थोड़ी ना छठ है। दिवाली से बड़ा तो नहीं, पर हम बिहारियों के लिए कम भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हो भाई? छठ तुम्हें पता है भैया, माता सीता ने पहली बार बिहार में छठ पूजन किया था, तब से इस पर्व की शुरुआत हुई है। हमारे बिहार में इसे महापर्व कहते हैं भैया, और इसमें हम इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि सब कुछ कुशल मंगल हो सके। पता है भैया, छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जहाँ डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, और हमारे बिहार में छठ मनाने की परंपरा है भैया। छठ हम लोग 4 दिन तक धूमधाम से मनाते हैं भैया, और छठ का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और हमारे परिवार में खुशहाली आती है। ये कोई त्योहार में फूल फल चढ़ाने का सामान नहीं, ये हम बिहारियों का सम्मान है भैया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात लग रही है, फिर तू जाता क्यों नहीं? कैसे जाऊं भैया, ऑफिस में बस 4 दिनों की छुट्टी मिली है, और जाने आने में ही बस 1 दिन लग जाएगा, और अब तो सारी ट्रेन्स की बुकिंग भी हो चुकी होंगी, और इतने में ऑफिस की सारी छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी। तो अब आप ही बताओ कैसे जाऊं। प्लेन अरे फिर प्लेन से जाना फिर? से हम कहाँ से जा पाएंगे भैया, हमारे पास इतने पैसे कहाँ। ऐसे प्लेन की टिकट? आने जाने की है। अरे भैया, ये क्या किया आपने? अरे कोई ना जा, आराम से और जल्दी आइयो, ठीक है? अब लिट्टी चोखा मत भूलियो, ठीक है ना?